इस वीडियो में आप सीखेंगे माउस क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम माउस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, तो जो भी काम, जो भी यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है उसके द्वारा कंप्यूटर को कोई भी कार्य दिया जाता है, जिसके माध्यम से दिया जाता है, उस माध्यम को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। थ्रू विच वी कैन डिस्प्ले द मेनू पैड एंड ऑल्सो यूज टू सिलेक्ट और ड्रॉ द पिक्चर, यानी कि डिस्प्ले पर जो डिस्प्ले है यहाँ से यहाँ तक, वह या मेनू पैड है यहाँ से यहाँ तक, अगर कोई भी पिक्चर या कोई भी आइटम अगर हम उसको सिलेक्ट करना है या ड्रॉ करना है, सिलेक्ट करना यानी कि किसी भी फाइल को या किसी भी फोटो को या किसी भी पिक्चर को या किसी भी आइटम को अगर चूज करना हो तो वह सिलेक्ट कहलाता है। ड्रॉ क्या कहलाता है, अगर इस यहाँ पे मान लीजिए एक आइटम है, यहाँ पे कोई पिक्चर है, यहाँ से खिसका कर हम यहाँ कर दे तो वह ड्रॉ कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें, उस जगह को हम बताएं किसी को, वह पॉइंट कहलाता है। तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस का भी काम करता है। अब देख लेते हैं माउस। माउस में कितने बटन होते हैं, माउस में तीन बटन होते हैं। जो आपका राइट में बटन रहता है वह राइट बटन कहलाता है, जो लेफ्ट में रहता है वह लेफ्ट बटन कहलाता है, और जो बीच बीच वाला एक चक्का जैसा होता है ऊपर नीचे उसको हम कर सकते हैं, उसको हम स्क्रॉल बोलते हैं। अब हम तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट बटन, विच इज यूज टू ड्रॉ ए पिक्चर और सिलेक्ट द आइटम। अगर किसी भी पिक्चर को, किसी भी आइटम को अगर हमको सिलेक्ट करना है या ड्रॉ करना है, ड्रॉ का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, तो हम लेफ्ट बटन का क्लिक करते हैं, या किसी भी आइटम को चूज करना है तो हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा माउस का लेफ्ट बटन से ही हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं राइट बटन, विच इज यूज टू डिस्प्ले द मेनू पैड या ऑप्शन पैड, यानी कि अगर किसी भी आइटम का उसका मेनू पैड लाना हो या ऑप्शन पैड लाना हो तो हम किस बटन का क्लिक करते हैं, राइट बटन का क्लिक करते हैं। यानी कि कोई भी आइटम हो उसका प्रॉपर्टीज देखना हो, रिनेम करना हो, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो हम राइट बटन को क्लिक करते हैं। तो राइट बटन का कार्य होता है कि किसी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी आइटम हो उसका मेनू पैड हम इससे देख सकते हैं या उसका ऑप्शन पैड हम देख सकते हैं। अब देख लेते हैं स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन विच इज यूज टू अप एंड डाउन द पेज, यानी कि पेज को ऊपर नीचे करना हो तो हम स्क्रॉल बटन से हम कर सकते हैं। यानी कि हमको ऊपर जाना हो, किसी भी पेज के फर्स्ट पेज पर जाना हो या लास्ट पेज पर जाना हो तो हम स्क्रॉल बटन से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लैपटॉप, लैपटॉप में जो यह डिस्प्ले है यह आपका पॉइंट करते हैं, यानी कि हमको कहीं भी पॉइंट करना हो तो हम माउस या जो टच पैड है या जो आपका लैपटॉप में टच पैड होता है और या अलग से हम माउस लगा के हम माउस का काम कर सकते हैं। तो माउस का जगह पर हम इस टच पैड पे ही भी काम कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि टच पैड पे हम उंगली से किस तरह काम करते हैं। तो हम इस एरिया में कहीं भी खिसकाना हो, पॉइंट करना हो, जैसे माउस को हिला के कोई काम करते हैं वह कर सकते हैं, या राइट बटन क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या माउस का कहीं भी कार्य करना हो तो हम इस टच पैड के एरिया में कर सकते हैं। अब देख लेते हैं माउस कैसे काम करता है। माउस को पकड़ कर हम कहीं भी खिसकाएंगे तो पॉइंट हमारा खिसकेगा, ठीक है। अगर हमको राइट लेफ्ट बटन दबाना हो तो इस बटन को क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाना हो तो इसको क्लिक करेंगे, या स्क्रॉल बार को यानी ऊपर नीचे करना हो तो हम इसको करेंगे, या हम इस डिस्प्ले में हम कहीं भी जा सकते हैं इस तरह खिसकाकर। अब देख लेते हैं कि पॉइंटिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट करना हो तो वह पॉइंटिंग कहलाता है। अब देखेंगे क्लिकिंग क्या होता है, अगर किसी भी फाइल पर क्लिक करना हो, यानी कि इस फाइल पर क्लिक करना हो, जिस किसी को खोलना हो, अगर इसको सिलेक्ट करना हो तो वह क्लिक कहलाता है, ठीक है। अगर इसको अब डबल क्लिक क्या होता है, तो किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है, खोलना हो, तो उसको हम लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो यह फाइल आपका खुल जाएगा। तो इसको खोलने के लिए हम लेफ्ट वाला बटन को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे यह खुल जाएगा। अगर इसको क्लोज करना है तो हम लेफ्ट बटन को एक बार इसको क्लिक करेंगे तो वह क्लिकिंग कहलाता है, तो यह फाइल आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब ड्रैगिंग क्या कहलाता है, ड्रैगिंग
एक जगह से दूसरे जगह कोई भी डाटा को या कोई भी आइटम को ले जाना ड्रैगिंग कहलाता है। तो अब देख लेते हैं ड्रैगिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई भी यहाँ से पेंट ही है, अगर यहाँ से ड्रैग करके इसको पकड़ के डिस्प्ले पर लाना है, तो हम यहाँ से खींच के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा पेंट यहाँ पे यहाँ से यहाँ ड्रैग हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट यहाँ पे बन गया, ठीक है। हम देख लिए पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग और ड्रैगिंग भी देख लिए, ठीक है।